हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अनवरत। और आज हम बनाने जा रहे हैं अनियन टोमेटो राइस। फ्रेंड्स चलिए चलते हैं। ये हमने देखिए एक ग्लास चावल ले लिया है, इसको हमने वाटर में सोक कर लिया था करीबन 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट के लिए सोक करके हमने इस चावल को निकाल लिया है, अपने इस राइस को। और ये हमारे 2 चॉप्ड टोमेटो हैं, मीडियम साइज टोमेटोज हैं। और ये अपना है 2 मीडियम साइज अनियन है। और इसमें मैंने आज लिया है वाइट अनियन एंड रेड अनियन और ग्रीन चिली, जैसा आप देख रहे हैं 3 ग्रीन चिली ली है हमने। और इधर हमारा है करी पत्ता तड़के के लिए, और ये है जीरा, ये आपकी लौंग, और इधर ये है काली मिर्च ब्लैक पेपर, और ये मोटी लौंग और मोटी इलायची, और ये हो गई राई, बनारसी राई, ये आप देख रहे हैं, रेड चिली है हमारे पास, और ये तेज पत्र है। सो फ्रेंड्स चलिए हम चलते हैं। हमने गैस से चढ़ा दिया है, अपना पैन चढ़ा दिया है, जैसा आप देख रहे हैं मीडियम आंच पे अपनी गैस है। और इसमें हम पहले तड़का लगाएंगे। इसमें हमने लिया है 2 स्पून ऑयल ले लिया है, हमने इसको गर्म कर लिया है, राइट। अब हम इसमें तड़का लगाने जा रहे हैं। ये ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, ये हमने डाल दिया तेजपत्र, ये रेड चिली, ये हमने डाली मोटी इलायची, 2 लौंग, और अब हमने इसमें डाल दिया है जीरा। और जीरे के साथ साथ अब हम डालने जा रहे हैं इसके अंदर कड़ी पत्ता। ये देखिए दोस्तों, मैंने अपनी छत से फ्रेश करी लीव्स लेकर के आया हूँ, और इसमें हमने करी लीव्स का तड़का लगा दिया है, और बनारसी राई भी हमने डाल दी है। एक अलग फ्लेवर आ जाता है थोड़ा सा इन सब चीज़ों का, खड़े मसाले डालने से एक अच्छा फ्लेवर आ जाता है राइस में। और दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं, ये कसूरी मेथी है जो कि आपका टेस्ट एनहांस करता है, और साथ साथ खुशबू भी बढ़ाता है राइस की, खुशबू लाने के लिए राइस में। इसको हमने मिक्स कर दिया, और इसको हम लोग मुश्किल से 1 मिनट तक इसको चौंक लगाएंगे, इसको पैन पे गर्म होने देंगे। अब इसमें हम मिक्स करने जा रहे हैं चॉप्ड अनियंस एंड ग्रीन चिली। दोस्तों आप जैसा कि देख रहे हैं, इस अनियन को हम लोग इसमें जब तक ये लाइट ब्राउन कलर नहीं ले लेते हैं तब तक हम इसको इसमें भूनते रहेंगे। नियर अबाउट 1 से 2 मिनट आपको इसको भूनना है, तो ये अपने कलर में आ जाएगा ब्राउन कलर में। देखिए दोस्तों, हमने इसको करीबन 1 मिनट तक अपनी प्याज को पकाया है, और इसमें आप देख सकते हैं जैसा कि ये ब्राउन कलर इसने ले लिया है, लाइट ब्राउन कलर ले लिया है। अब इसमें हम मिक्स करेंगे टोमेटोज, चॉप टोमेटोज। और इसको 1 मिनट तक अपन इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, और 1 मिनट तक इस टोमेटोज को पकने देंगे। दोस्तों अब इसमें हम मिक्स करने जा रहे हैं सम स्पाइसेस, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें हम लोग मिक्स करेंगे हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा हमने ले लिया है 1 स्पून हमने ले लिया है मसाला, सब्जी मसाला ले लीजिए, आइदर यू कैन टेक गरम मसाला, और थोड़ा सा इसमें रेड चिली हमने मिक्स कर दिया है। और सबसे मेन चीज़ हम भूल गए थे अपना, अब सॉल्ट, इसके अंदर हमने मिला दिया है सेंधा नमक, जैसा कि आपको पता है कि मुझे सेंधा नमक पसंद है, बींग माई फादर इज डायबिटिक, और सॉरी बींग हाई ब्लड प्रेशर, उनको इसमें इस वजह से हम इसमें सेंधा नमक यूज़ करते हैं, बिकॉज बीपी को कंट्रोल रखता है। इसमें दोस्तों स्वाद के लिए आप किसी भी तरह का सॉल्ट डाल सकते हैं, आइदर आप वाइट सॉल्ट डाल सकते हैं, या फिर सेंधा नमक, नॉर्मल सादा नमक डाल सकते हैं, आयोडाइज नमक या फिर सेंधा नमक। दोस्तों अब इसमें हम लोग राइस मिक्स कर रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी जो पानी सोक की हुई राइस थी उसको अब हम इसमें हमने अपने मिक्सर में डाल दिया है। इसको दोस्तों हम जैसा कि देख रहे हैं, हमने राइस मिक्स कर दिया था, और राइस डाल दिया है सोक किया हुआ, और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ गया है हमारे इस राइस का, और देखने में भी अभी अभी सा लग रहा है, जब तैयार हो जाएगा तो और बहुत बढ़िया हो जाएगा ये। और अब हम इसमें दोस्तों 1 ग्लास फुल ऑफ वाटर डाल रहे हैं, एंड 1 ग्लास चावल है तो 2 ग्लास पानी इसमें डालेगा, जस्ट डबल उसमें पानी रहता है। और इसको अब हम दोस्तों इसको ढक करके रख देंगे इस प्रिपरेशन को। अच्छा, इसको एक बार और मिक्स कर देंगे,
इसको अच्छे से स्टियर कर दिया है हमने, सो दैट इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाए, पानी मिक्स हो जाए। और इसको अब हम इसको लिड की मदद से इसको हम कवर कर देंगे। और इसको हम लोग दोस्तों रख रहे हैं मीडियम आंच पे, मीडियम आंच पे हमने कर दिया है अपनी गैस को। और इट विल टेक नियर अबाउट 8 to 10 minutes इस राइस को पकने में लगेगा, 8 से 10 मिनट, तब तक हम लोग वेट करते हैं। दोस्तों हम जैसा कि देख रहे हैं हमारे राइस इसमें पक रहे हैं, तो आइए हम चेक कर लेते हैं अपने राइस को। दोस्तों आप देख रहे हैं हमारी प्रिपरेशन रेडी हो रही है, और इसमें नियर अबाउट अब थोड़ा सा ये चावल हमारे पक रहे हैं धीरे धीरे, और अभी पानी है अच्छा खासा, अभी इट विल टेक अराउंड 7 to 8 minutes मोर। फ्रेंड्स आइए इसको हम खोल के देखते हैं कि कितना बन गया है हमारा राइस। ओके सो ये फाइनल अर्ज पे आ चुका है, फाइनल अर्ज पे हमारा राइस आ चुका है। इसको हम मिक्स कर देंगे एक बार फिर, राइस को मिक्स करके और इसको हम अब कर देंगे क्लोज, लेट से क्लोज कर देंगे। ये हमने मिक्स कर दिया है और लेट से क्लोज कर देंगे अब। दोस्तों हमने अपनी गैस को अपने बंद कर दिया है और ये हम ओपन करने जा रहे हैं अपना। वाह इसकी एरोमा बहुत अच्छी आ रही है, इसकी एरोमा बहुत अच्छी आ रही है। और चावल हमारे पक चुके हैं, ये हमारा रेडी हो चुका है अनियन टोमेटो राइस। अब हम इसको सर्विंग प्लेट में लेकर के सर्व कर देंगे। और सो दोस्तों ये हमारा अनियन टोमेटो राइस रेडी हो चुका है जैसा आप देख रहे हैं। और इसको क्लोज ले जाता हूँ मैं, और ये क्लोज लेकर के गया मैं, और ये मैं टेस्ट कराने जा रहा हूँ अपनी भांजी को। गौरी टेस्ट करके बताओ कैसा है। हाँ गौरी ने टेस्ट करके बोला है, हाँ इन्होंने बोला है कि ये एक नंबर टेस्टी। क्या बोला गौरी, कैसा है ये राइस? स्वीट, इट्स टेस्टी, स्वीट स्वीट से टेस्ट है, यमी। ओके दोस्तों जैसा आपने देखा है ये यमी टेस्टी राइस हमारा तैयार हो चुका है और रेडी टू ईट है अब ये। और इसको आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, आइदर आप इसको दाल के साथ खा सकते हैं या आप किसी चटनी के साथ खा सकते हैं, नहीं अवेलेबल है तो चटनी ले लीजिए, या किसी अचार के साथ भी खा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आर वीडियो ऑन आर ब्लॉग अनवरत, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने जल्दी से किचन में जाइए और इस रेसिपी को तैयार कीजिए और अपनी भूख मिटाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, हैव अ गुड डे।